जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जेएनयू से पीसफुल मार्च और जो पीसफुल मार्च था केंद्रीय विद्यालय तक जब हम पहुंचते हैं, पहला तो बैरिकेड को तोड़ के जब आगे जाते हैं तब पुलिस ने, जब मैं जो एक दलित म्यूजिक था वो 8 से 9 किलो का होता है और मैं, मेरा जो कमर में है वो जो म्यूजिक को पकड़ के मैं जा रहा था और तभी मेरे को पुलिस पकड़ता है। 10 से 15 पुलिस लोग मेरे को पकड़ते हैं और बैरिकेड में उखाड़ के मेरे को उठा के फेंकते हैं। देखिए किस प्रकार का हुआ है इंजरी। तो उसके बाद वहाँ पे रुकते नहीं है, मेरा जो म्यूजिक है वो मेरा कमर पे ही लगा हुआ है और फिर वहीं पे उठा के मेरे को खींचाता नहीं कर, दोनों तरफ से जो म्यूजिक का स्टिक है वो खींचते हैं ऐसा करके और फिर मेरे को उठा के ले जाते हैं। और 30 मीटर तक मेरा जो है वो जो 8 से 9 किलो का जो म्यूजिक है वो रहता है और पूरा बस के अंदर ले जाते हैं। उसी के बाद हमको उसी बस में हमको घुमाते हैं दिल्ली में और दिल्ली कंट तक ले जाते हैं और उसके बाद दिल्ली कंट में वहाँ पे रखते हैं शाम के सात बजे तक रखते हैं और फिर उसके बाद हमको वापस जेएनयू छोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन हम उसके बाद आधे रास्ते में हमको छोड़ा जाता है, तभी जाके हम फिर प्रोटेस्ट में जोरबाग में जो हमारे साथी जो प्रोटेस्ट मार्च करके जा रहे तब वहाँ पर जाते हैं और दोबारा वहाँ पर जब यूनियन बोलता है क्या यूनियन को बोला वो पुलिस बोलते हैं हाँ तो मिनिस्ट्री ले जाएंगे बोल के यूनियन को साइड कर दिया जाता है और तभी स्टूडेंट को लाइट बंद करके मारा जाता है और जितने भी स्टूडेंट पूरा बेरहमी से दौड़ा के मारा जाता है कुछ। और तभी आप जैसे यहाँ पे इतना जो रिपोर्टर दिखते हैं तभी ये बेशर्मी की बात है कि आप जैसे रिपोर्टर उसी वहाँ पे नहीं आते। अगर इतना रिपोर्टर वहाँ पे होता उतना रिपोर्टर वहाँ पे आते हैं तो शायद वो लाठीचार्ज जो जिस प्रकार का हुआ था वो नहीं होता। और कुछ दलाल मीडिया जो है यहाँ पे अभी आए हैं वो दलाली करेंगे, हम उनसे कोई परिवर्तन का बात नहीं ले सकते हैं। फिर वहाँ पे रात में जो लाठीचार्ज हुआ है मेरा हाथ में ब्लड निकल रहा है, यहाँ पे मारा है, फिर यहाँ पे अभी भी फूला हुआ है और फिर मेरे पीछे भी मार पड़ा है। तो जिस प्रकार से हम जो एक स्टूडेंट का जो जस्ट डेमोक्रेटिक जो अधिकार के बात कर रहे हैं, जो फी हाइक का जो है, जो दलित आदिवासी स्टूडेंट है जो है कैंपस में आ नहीं पाएगा अगर जो फी हाइक जिस प्रकार का जो लागू है, हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। और जो अभी का जो सरकार है वो जो एजुकेशन सिस्टम को बेच रहा है और उसी जो एजुकेशन सिस्टम को, जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को हम बचाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा जेएनयू का लड़ाई है। और ये सिर्फ जेएनयू का लड़ाई नहीं है, इस देश में जितना भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और जो फ्री एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए ये हमारा डिमांड है। और यहाँ पर जो 40 से 50% का जो स्टूडेंट है वो दबे कुचले कम्युनिटी से आता है और यह जो अगर फी हाइक जो अगर लागू होता है तो वो उसको मजबूर होकर वापस जाना पड़ेगा। मेरा जैसा फैमिली में औकात नहीं है कि मेरे को यहाँ पे 7,000, 8,000 या 10,000 मेरे को पैसा भेजे, वापस मेरे जो फेलोशिप में से मुझे कुछ वापस भेजना पड़ता है। तब जब हम अधिकार की बात करते हैं तब पुलिस हमारे ऊपर अत्याचार करता है और मारता है। ये नहीं कि हम लोग वायलेंट प्रोटेस्ट किया है, हम लोग सीधा शांति से हम लोग चल के मार्च कर रहे थे तभी पुलिस जो है स्टूडेंट के ऊपर मार्च किया है। और जिस प्रकार से ब्रूटालिटी के तरफ जो महिला जो हमारा जो स्टूडेंट के साथ बर्ताव किया है और जो हमारे स्टूडेंट को अभी भी इतना मारा है पैर में, उनको हॉस्पिटल ले जा रहा है, किसका पैर में मारा है, बूट में जो है वो छाती में मारा है। तो इस प्रकार का जो ब्रूटालिटी है ये जो है ये जो पुलिस है ये किसका, ये मतलब ये किसका जो है सर्विस कर रहा है, ये जनता का सर्विस कर रहा है या इस देश का जो अभी भी फासिस्ट गवर्नमेंट है उसका ये सरकार है, ये एक सवाल है। देख सकते हैं कि किस प्रकार का वो अभी वायलेंट मारा है कि पूरा ब्लड भी निकलता है। तो ये कॉन्डेम है, हम बुरी तरह से जो दिल्ली पुलिस है उसको कॉन्डेम करते हैं और आप रिपोर्टर लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि सही से इस रिपोर्टिंग। आज इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दी जा रही है कि हमको छोड़ना पड़ेगा, अगले सेमिस्टर हमको हटना पड़ेगा, यानी जनवरी से हमको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी अगर ये फीस रोल बैक नहीं हुआ तो, क्यों कि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। फिर वही जाकर हम हल जोतेंगे और खेती बाड़ी करेंगे। आप देखिए खेती बाड़ी करने पर भी क्या होगा, कल उन्नाव में कुछ दिन पहले उन्नाव में किसानों को मारा गया, लेकिन खेती बाड़ी करेंगे तभी मारा जाएगा, किसान बनेंगे तब भी मारा जाएगा, यानी जिएंगे भी तो जिएंगे कैसे, स्टूडेंट बन के भी हम जी नहीं सकते हैं, किसान बन के भी हम जी नहीं सकते, यानी गरीब को, दलित को, माजना शख्सन को, मुसलमानों को मार दो, हटा दो। ये हाल
इस गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम ना इस पर डिबेट करें। जो जेएनयू का कल्चर रहा है, जेएनयू का हमेशा कल्चर रहा है कि हम डिबेट करें, डायलॉग करें। उस डिबेट और डायलॉग को ये वाइस चांसलर ख़त्म करने की कोशिश किया। इसी कड़ी को कुछ दिन पहले एक हॉस्टल मैनुअल लाया गया जो इलीगल तौर पर जेएनयू एसयू जो जिसको 8000 स्टूडेंट ने चुनकर भेजा उसको नहीं बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं चुपके से 10 मिनट की मीटिंग, उसमें आपने पास कर दिया कि ये हॉस्टल मैनुअल को हम स्टूडेंट पर लागू करते हैं। जब स्टूडेंट ने उसको इस पर बवाल किया, स्टूडेंट ने उसको कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं, तमाम स्टूडेंट ने इसको मानने से इनकार कर दिया, तब एक ITO में जाकर कि चुपके से आपने 100 रुपया बढ़ा करके उसको 1 रुपया 2 रुपया घटा करके आप बोल रहे हैं। फिर उसमें भी किस तरह घटाया, 100% घटाया ही नहीं, वो घटाया ही नहीं, वो यानी आपको चॉकलेट पकड़ा दिया कि चॉकलेट लो भाई आप घूमो फिरो एंजॉय करो, ये हाल था उसका। तो हमने कहा कि हम इसको रोल 100% रोल बैक चाहते हैं। उसके लिए कल हमने यहाँ से लेकर संसद, जो हिंदुस्तान की लोकतंत्र की मंदिर बोली जाती है, वहाँ तक हमने मार्च करने की कोशिश की, क्योंकि हमारी आवाज़ बुलंद हो, स्टूडेंट की आवाज़ बुलंद हो, कौमों तक एजुकेशन तालीम के फवायद मालूम हो, दुनिया को मालूम हो कि एजुकेशन का महत्व क्या है, तालीम की शिक्षा की अहमियत क्या है। कौमें बर्बाद हुई, आप अगर देखें एंशियंट हिस्ट्री में जाकर पढ़ें, कौम इसलिए बर्बाद हुई कि उसने एजुकेशन का तालीम का महत्व नहीं समझा। हमने ये समझाने के लिए अपने माननीय वो अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भी लोगों से, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनसे मिलने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, डिबेट करने के लिए जा रहे थे। पहली बात, गेट में जो ही एंट्री गए रोक दिया गया कि नहीं, फरमान है ऊपर से, बाबा साहब ने फरमान दे दिया है, आप जा नहीं सकते, आपकी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती है। उसने रोक दिया हमको, हमने उससे भी आगे करके उसको तोड़ कर और आगे भी आया, उसने वहाँ भी 1200 से ज़्यादा 2000-2500 फोर्स लगा दिया गया। क्यों? स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने के लिए। उसके बाद जब तीसरे में गए तो मुझे देखा, टारगेट किया, उठा लिया, उठा करके मुझे एक डंडा इसने ज़ोर से मारा कि मेरी गर्दन इतनी आकर गई कि मेरी गर्दन इस तरह नहीं हो पा रही, तो उठा करके मुझे लेकर चला गया कालकाजी मंदिर थाना, जो है कालकाजी मंदिर थाना पे मुझे 1 बजे अरेस्ट करके लेकर चला गया। 6 बजे तक वहाँ रखा, मुझे समोसा ला कर दे रहा, मैंने कहा कि मुझे समोसा नहीं, मुझे ट्रीट चाहिए, मैं परेशान हूँ, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो कह रहा कि नहीं, डॉक्टर को बात को दिखा रहे हैं भाई, ABPP वाले कर रहे थे, NSUI वाले कर रहे थे, सबको कर रहे थे, UGC में ABPP वाले भी कर रहे थे, कहाँ गए उसके बड़े बड़े साथी जो वो लोग भी तक जाकर आगे आगे थे, वो लोग भी तक कर रहे थे। आप गौर कीजिए, आप भी देख लीजिए, अगर लेफ्ट राइट के, अगर शिक्षा को लेफ्ट राइट से अगर देखा जाए तो समझ लीजिए ये शिक्षा के साथ अच्छा नहीं हो रहा, शिक्षा का अन्याय हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है, शिक्षा के साथ कभी लेफ्ट राइट नहीं होता है। तो यही चीज़ लेकर मैं जा रहा था तो पुलिस ने मुझे बुरी तरह मारा, हमारे बहुत सारे साथियों को मारा गया, आप चोरबाग में देखिए वहाँ भी लाइट बंद करके मारा गया, इतना मारा गया कि एम्स में सफदरजंग में जाकर के भर्ती होना पड़ा। हमारी डिमांड है, सिर्फ छोटी सी डिमांड है, कि वाइस चांसलर डायलॉग डिबेट, जो हमारे देश का मूलभूत हिस्सा है, जब बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान में खुद लिखा हुआ है, डिबेट डायलॉग से आप आइए बात कीजिए, हम वार्तालाप करने के लिए हमेशा तैयार है, आप आइए। और हम इसको 100 रोल बैक चाहते हैं कि एक गरीब का बच्चा भी यहाँ आकर पढ़े, दलित का बच्चा भी यहाँ आकर पढ़े, जो एक टाइम को रोटी खाता हो और एक टाइम रोटी नहीं खाता हो, वहाँ उसका बच्चा भी आकर के यहाँ आकर रिसर्च करे और पढ़ाई करे, हम यही चाहते हैं। हमारे VC साहब आकर के हमसे बात करें, हमारी ब्लेड मार रही थी। सिर्फ यही नहीं, 2 महिला साथी हमारा हाथ, 2 महिला जो थी वहाँ पुलिस कॉन्स्टेबल, वो हमारा हाथ पकड़ी है और एक मेल पुलिस हमारे छाती पे हाथ डाला है। ये सब हो रहा है, ये कैसा पुलिस है, ये कैसा सरकार है, ये जिनको सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिखता है, पर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये नहीं दिखता है। हम लोग क्या करने गए थे वहाँ पर, हमारा जुर्म क्या था, सिर्फ हम शिक्षा मांगने गए थे वहाँ पर हमारे साथ क्या क्या हुआ है। और कुछ लोग यहाँ गोदी मीडिया आकर के पूछती है कि हम वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे साथ जो वायलेंस हुआ है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है, हमारे साथ क्या क्या हुआ है। एक महिला साथी वहाँ खड़ी है आग के सामने, एक मेल पुलिस उसकी छाती के अंदर हाथ घुसा दिया, वो लोगों को नहीं दिख रहा है। यहाँ की JNU की जितनी छात्राएं हैं, ये लोग RSS के दलाल लोग उसको वैश्या बोल रहे हैं, हमारा फोटो ट्रेंड किया जा रहा है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा है। हम बस शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम इस संविधान को बचाना चाहते हैं, हम इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और हमारे ये जुर्म है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं।
गरीब का बच्चा आगे बढ़ रहा है, इससे इनको दिक्कत है, तकलीफ है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा भी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है कि हम सस्ती शिक्षा प्राप्त करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जितना आपको दबाना है, जितना ढकेला है, जितना मारना है, हमें ऐसे उछाला जा रहा था जैसे हम इंसान नहीं है, हमें वैसा ट्रीटमेंट मिला है। बताइए हम क्या कर रहे थे वहाँ पर, हाथ में तो आपके लाठी डंडे थे और हम कह रहे हैं हम वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप संविधान के चौथे स्तंभ हैं, आप हमें दिखाइए, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ये जो सत्ताधारी हैं, हुक्मरान हैं, इनका हम हुक्म कभी नहीं सुनेंगे। हम अपने हक के लिए लड़े हैं, हम रोड पर लड़ते रहेंगे, आप सत्ता में बैठिए हम सड़क पर रहेंगे, पर अपनी आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।